कौशिक के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का रिएक्शन आया, जनता को कांग्रेस सरकार पर ही भरोसा है, बीजेपी के पास अब आरोप के अलावा कुछ नहीं, 15 साल जनता को बीजेपी ने ठगा। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे हो गए, इस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कांग्रेस देश विरोधियों के साथ है, पीएम मोदी से कांग्रेस देश जोड़ना सीखें। कौशिक ने बताया कि दीपक बैज ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से प्रेम का संदेश दिया गया, बीजेपी हिंसा के रास्ते सत्ता में आना चाहती है। राजनांदगांव में कल भरोसे सम्मेलन का कार्यक्रम है, इस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कांग्रेस सरकार जनता के भरोसे को तोड़ रही, राजनीतिक लाभ लेने भरोसे का सम्मेलन किया जा रहा है, कांग्रेस सरकार धन का दुरुपयोग कर रही है, जनता के लाभ की कोई परवाह नहीं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, आज रात 8 बजे रायपुर आ जाएंगे, वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग लेंगे, कल वे राजनांदगांव जाएंगे, भरोसे का सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी कुटरू क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, इस दौरान ग्राम पंचायत गुदमा दरभा सरनापाली में ग्रामीणों से मुलाकात की। जांजगीर चांपा में छत्तीसगढ़ चित्रकार कल्याण संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, ये पत्र हस्तकलाकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में शामिल करने के बाबत लिखा गया। धमतरी थाने में युवक की मौत के मामले में परिजनों ने NH-30 को चक्का जाम करके जाम किया, परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया। भाटापारा में नियमित और प्लेसमेंट सफाईकर्मी काम बंद हड़ताल पर चले गए, CMO लाल अजय बहादुर की समझाइश पर सफाईकर्मी काम पर नहीं लौटे। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का समापन हुआ, मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शरणदास मंत रहे। राज्य में शराब माफियाओं ने महिला कमांडोज पर ही अटैक कर दिया, ग्रामीणों से मारपीट की, महिला कमांडो अवैध शराब की बिक्री नहीं करने की समझाइश दे रही थी। कोरबा में वाहन की टक्कर से 6 से ज्यादा मवेशियों की जान चली गई, मवेशी मालिक और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, चक्का जाम करके अपना विरोध जताया। कोरबा के देवपैरी लेमरू जंगल में भालू का शव मिला है, राहगीरों ने वन विभाग को सूचना दी। दतिया में मंचले की चप्पल से पिटाई की गई, महिला ने चप्पल से पीटा, युवक बाजार में महिला को छेड़ रहा था। सक्ती के डोंगरी डी में सरपंच पति पर नाबालिग लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा, 30 अगस्त की घटना बताई गई। बलरामपुर जिले के कोरंधा गांव में महिला की मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली, महिला की हत्या उसी के पुत्र ने की थी। भिलाई में 2 घंटे की बारिश के बाद आकाशगंगा मार्केट जलमग्न हो गया, फ्रिज वॉशिंग मशीन बाकी सब सामान पानी में तैरता दिखा। जन्माष्टमी का उत्सव भिलाई के अक्षय पात्र कैंपस में राधा कृष्ण मंदिर में शुरू हो गया है, सुबह 5 बजे श्री कृष्ण और श्री राधा का पंचामृत से अभिषेक किया गया। जशपुर में जन्माष्टमी मनाने से रोकने पर गांव में तनाव की स्थिति है, संसदीय सचिव UD मिंज का नाम लेकर गुंडागर्दी की गई है।